बार जीत और जीतो रात को जंगल में सेक्स कर रहे थे। जीतो को मजा देने के लिए जीत उसकी चूत को चाटने लगा। 15 मिनट बाद जीत बोला, अगर मसाल होती तो मजा आ जाता। जीतो बोली, मुझे भी, क्योंकि 15 मिनट से तुम घास ही चाट रहे हो। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। एक चूहा जंगल में बड़ी तेजी से भागा जा रहा था। लोमड़ी ने देखा और उसके आगे आके खड़ी हो गई और पूछा, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? चूहा बोला, आंटी प्लीज अभी जाने दो, फिर बताऊंगा। लोमड़ी हैरान हुई और बोली, अरे हुआ क्या है? चूहा हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज जाने दो, मेरी जान का सवाल है। लोमड़ी गुस्से से बोली, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक बताओगे नहीं कि हुआ क्या है। चूहा रोते हुए बोला, किसी ने शेर की बहन की चू डाली और नाम मेरा लगा दिया। एक दिन क्लास में योगा की मैडम बच्चों से बोली, बच्चों बताओ मैं एक पैर पर कब और क्यों खड़ी होती हूँ? पप्पू ने सबसे होशियार जवाब दिया और बोला, मैडम नहाने के बाद कच्ची पहनते समय। राहुल और पिंकी के बीच सुनी गई एक बात। पिंकी बोली, सर आपको क्या पसंद है, सतन या पैर? राहुल खुश होते हुए बोला, मैडम बिल्ली। पिंकी ने थप्पड़ मारा और कहा, सर तू रंग खाने में नहीं खड़ा, ये KFC का काउंटर है। एक बार एक पठान की शादी हुई तो अगले दिन उसके दोस्तों ने पूछा, कहो पठान साहब स्वागरात कैसी रही? पठान खुश होते हुए बोला, अम्मा क्या बातें हैं, पहली बार किसी नंगी लड़की को देखकर 3 बार मुंह मारी। एक दिन पिंकी ने जींस उतारी और अपने बॉयफ्रेंड पप्पू से बोली, मुझे अपनी पत्नी की तरह महसूस करो। पप्पू भी अपनी जींस निकाल कर बोला, दोनों जींस धो लो। एक बार एक पुराना जोड़ा पेरिस में घूमने के लिए गया। वह बड़ा ही रोमांटिक महल था जिसे देखकर बूढ़े को फीलिंग आ रही थी। अचानक से बुढ़िया बोली, पहले एफिल टावर चले या होटल के रूम में? बूढ़ा बोला, होटल के कमरे में चलते हैं, एफिल टावर तो कल भी खड़ा रहेगा। एक दिन सुमन ने रोते हुए अपने साथ वाली पड़ोसन पिंकी को दुखड़ा सुनाते हुए बोली, मुझे बच्चा नहीं हो रहा। पिंकी बोली, तुम्हारा पति गंग होगा। सुमन बोली, मेरा पति क्या, मुझे तो तुम्हारा पति भी गंग ही लग रहा है। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे।